हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयंत और आप देख रहे हैं क्रिकेट सर्कल 07। तो एक्चुअली बहुत दिनों के बाद हम लोग कुछ ट्यूटोरियल बेस्ड बना रहे हैं और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे एक रेगुलर रिक्वेस्ट आती है कि कुछ टेम्पलेट्स जो हम शेयर करते हैं, जिस तरीके के पोस्ट हम करते हैं, उसका एक ट्यूटोरियल बनाएं कि बाकी जो भी नए क्रिएटर्स हैं वो भी उस तरीके का बना सकें डिज़ाइन। तो इसलिए अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले यूट्यूब सब्सक्राइब कर ले, और हमारा इंस्टाग्राम पेज है cricktv.edits, इसको भी फॉलो कर सकते हैं और इस पर हम रेगुलरली क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स पोस्ट करते हैं, स्टार्ट्स भी रहते हैं। तो आज जो ट्यूटोरियल रहेगा वो बेसिकली इस डिज़ाइन के ऊपर रहेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से डिटेल्ड स्टार्ट्स रहता है, प्लेयर नेम, इनिंग्स रन, एवरेज, हंड्रेड्स और फिफ्टीज। तो ये बहुत मतलब आप रेगुलरली इसको अपडेट कर सकते हो किसी भी इम्पोर्टेंट सीरीज से पहले या सीरीज के बाद, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंगेजमेंट मिलती है, लोग इसको शेयर करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए डायरेक्टली हम लोग ट्यूटोरियल में जंप करते हैं। और सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, मतलब स्टार्ट कर रहे हो डिज़ाइनिंग करना या ऐसे पोस्टर्स बनाना, एडिटिंग करना, तो आप कैनवा यूज़ करो। और इसलिए मैं कैनवा यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। और आप देख सकते हो कुछ मैंने बना रखे हैं, ये ऑलरेडी जो हमने बना रखा है वो है, बट हम ट्यूटोरियल के लिए आप नया स्क्रैच से बनाएंगे। और अगर आप ये नोटिस करोगे तो इसका ये स्क्वायर इमेज नहीं है, ये साइज़ थोड़ा इसका अलग है, तो ये साइज़ भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको क्रिएट करना है। तो आप कैनवा पे अगर अकाउंट नहीं है तो पहले कैनवा में अकाउंट क्रिएट कर लो, और कुछ चीज़ें कैनवा प्रो में भी मिलती है। तो अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैसेज करो, हम आपको कैनवा प्रो का एक टीम इन्विटेशन लिंक देंगे जो जिसको यूज़ करके आप ट्रायल पीरियड में 15 डेज या 30 डेज का कैनवा प्रो यूज़ कर सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए या नया अकाउंट क्रिएट किए। तो आपको क्रिएट डिज़ाइन में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको देख रहे होगे आप इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर है जिसका साइज है 1080x1080, तो ये नहीं लेना है हमें, इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट लेना है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है इसलिए आपको थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। ओके, इसको लेने के बाद यहाँ पे आप डिज़ाइन का नाम दे सकते हो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट स्टार्ट्स। ओके, देन आ जाता है यहाँ पे आपको कोई एक फोटो चाहिए, जिस मतलब आप प्लेयर का स्टैटिस्टिक्स बना रहे हो, जो टॉप पे है प्लेयर उसी का अगर आप स्टैटिस्टिक्स बनाओगे तो उस प्लेयर का इमेज आपको ढूंढ लेना है गूगल से, जो भी HD इमेज जो अभी आपको मिले उसको सिलेक्ट कर लेना है, और उसको आप रहेगा आपका वो मेन बैकग्राउंड में रहेगा। तो मैं यहाँ से कोई एक ले लेता हूँ, रिसेंट जो यूज़ किया था वही ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऋषभ पंत का ही जो हमने यूज़ किया है अभी। और कैनवा में मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप अपने जितने भी जो भी अपडेट अपलोड किए होंगे वो सब आप फिर से रीयूज़ कर सकते हो, आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो कैनवा को, इंस्टेंटली आप कैनवा में एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं तो यूजुअली मैं लैपटॉप में एडिट करता हूँ, और जब पोस्ट करना रहता है उस टाइम पर मैं मोबाइल से डाउनलोड करके अपलोड करता हूँ, क्योंकि आप लैपटॉप पर जब एडिटिंग करोगे आपके लिए ईजी बन जाता है वो क्रिएट करने के लिए। टाइम लग रहा है मुझे, हाँ मिल गया ऋषभ पंत का इमेज जो मैंने यूज किया था। ओके, उसको बस ड्रैग ड्रॉप कर दो, एक पूरा स्क्रीन ले लिया उसने, देन आप उसको खींच के बढ़ा भी सकते हो, ऐसे बस ड्रैग कर दो क्योंकि हमें वो स्टंप नहीं चाहिए, हमें पंत का चाहिए इमेज। तो कुछ सेंटर अलाइन कर दो, जाकि जहाँ पे पंत का फेस अगर आप देखोगे तो वो सेंटर अलाइंड है एकदम, दो जो बॉक्सेस बन रहे हैं ग्रीड बन रही है उसमें सेंटर में रख लो। ओके, डन। नाउ आपको टाइटल बॉक्स के लिए डिज़ाइन देख लेते हैं, यहाँ पे टाइटल बॉक्स के टाइटल के लिए एक टेक्स्ट चाहिए, सबटाइटल चाहिए, देन ये सब तामझाम चाहिए। तो टाइटल के लिए मैं डायरेक्टली आपको फॉन्ट भी बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक एंटोन यूज़ करता हूँ मैं, मोस्टली ज़्यादातर लोग एंटोन ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टाइटल पर रखोगे तो देखो एंटोन है, और 69 फॉन्ट साइज है,
और उसमें कुछ इफेक्ट्स भी लगा रखा है, बट मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे एडिट करके आपको दिखाता हूँ प्लेसमेंट और वो सब कैसे करना है। और ये बेसिकली क्या होता है, आप जैसे ही आप क्रिएट करते जाओगे ना, उसके बाद आपको साइजिंग करनी है। ये मैंने पहले से रखा था इसलिए साइजिंग कर दिया। और क्या होता है, इसके ऊपर आप लेयर लगाओगे राइट, तो इसको आपको जो भी टेक्स्ट आप व्हाइट में ले रहे हो, प्लेन व्हाइट में लोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, आपको इफेक्ट्स ऐड करना पड़ेगा। और इफेक्ट्स में आप हमेशा शैडो ले सकते हो, एक तो शैडो का सेटिंग आप इस तरीके से रख सकते हो ताकि वो 3D इफेक्ट तरीके से वो दिखेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइटल टेक्स्ट। देन सब टाइटल टेक्स्ट आप ले सकते हो, सेम तरीके का इफेक्ट रहेगा, बट फॉन्ट थोड़ा अलग ले सकते हो। तो फॉन्ट है एलेरियन हेवी, ओके, फॉन्ट साइज 30। इफेक्ट में भी अगर आप देखोगे सेम इफेक्ट सेम है, सेडो इफेक्ट लगा के सेम इफेक्ट दिया हुआ है ताकि वो थोड़ा दिखे, ऊपर दिखे आगे। देन हमें बेसिकली हमें क्या चाहिए, नंबर प्लेयर इनिंग्स रन्स एवरेज 50s, ओके। तो ये आप क्या करोगे, ये मैं टाइप करता हूँ ठीक है, या फिर आप प्लेसमेंट ही कर सकते हो उसको, बस मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ और फिर वहाँ पे प्लेसमेंट करके आपको दिखाता हूँ जब आपका टेक्स्ट चेंज होगा या आप कुछ चेंज करते हो वो कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल आप फ्रेश नया बना रहे हो राइट, यहाँ पे एस नंबर की जगह सीरियल नंबर भी डाल सकते हो, SN या SL, ओके, प्लेयर नेम या टीम नेम, इनिंग्स। तो ये जब आप एक एक करके ऐड करोगे तो आपको क्या करना है, जब आप पहला ऐड कर लिया और सेकेंड की आप ट्राई कर रहे हो तो ये अलाइनमेंट आपको ऐसे कीबोर्ड से प्रेस करके अप डाउन करके ऐसे रखना है ताकि सारे अलाइन रहे। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला फेज। देन सेकेंड में आप क्या कर सकते हो, इसके बाद ही जो नंबर्स है उसको आप टाइप कर लो, आपको जो भी डिटेल चाहिए उसके ही नीचे, बट फॉन्ट अलग ले सकते हो। तो यहाँ पे फॉन्ट हमने लिया हुआ है एलेरियन हेवी, ओके, और इफेक्ट भी दे रखा है, इफेक्ट में हमने लिफ्ट दिया हुआ है ताकि यहाँ पे सारे 3D करोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, सिर्फ टाइटल और उसको शैडो इफेक्ट दो, बाकी सब लिफ्ट इफेक्ट के साथ रहे। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी नंबर्स कम है, फॉर एग्जाम्पल नंबर के नीचे ये 1 है, इसको आप सेंटर लाइन रखोगे, देखो ये ऐसे लेफ्ट राइट करोगे तो वो नीचे एक लाइन आएगा, तो मतलब सेंटर लाइन है। बट नाम के लिए, क्योंकि नाम किसी का छोटा बड़ा रहेगा तो नाम सेंटर लाइन नहीं रहेगा, नाम रहेगा लेफ्ट लाइन, और ये प्लेयर नेम के साथ लेफ्ट लाइन रहेगा। ये देखो, ये लेफ्ट राइट करोगे तो आपको ऐसे अलाइनमेंट करनी है। देन बाकी के जितने भी नंबर है वो सब आप सेंटर लाइन रख सकते हो ऊपर के जो भी लेबल है उसके साथ, ओके। एक बार ये आपका बन गया, देन आप इसको कॉपी करोगे या फिर आप ग्रुप बना दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर कॉपी करते टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये इसको ग्रुप कर दिया पूरा, ओके। देन इसको कॉपी करो और उसके नीचे रख लो, और स्पेसिंग आप देख सकते हो आपके हिसाब से रख सकते हो, मैंने अभी 13 रखा है। ओके, ये मेरा अलाइन हो गया। देन आपको क्या करना है, एक इस, क्योंकि हमने, अगर आप डिजाइन पे फिर से जाओ तो एक लाइट है, एक डार्क है, फिर से लाइट है, फिर से डार्क है। तो ये कैसे किया है हमने, आपको एक रेक्टेंगल लेना है, तो आप शॉर्टकट है R, R प्रेस कर दो और रेक्टेंगल आ जाएगा, और उसको आप कलर आपको ब्लैक लेना है, ओके। देन उसको आपको जो सेकेंड वाला है उसके सेंटर अलाइन में रखना है, तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके आपको देखना है कि वो सेंटर में कहाँ पे आ रहा है, बट स्पेसिंग का ख्याल रखना, तो स्पेसिंग यहाँ से थोड़ा और कम कर देंगे ताकि वो पहला वाला छुप ना जाए एकदम ही, तो इसको और थोड़ा ऊपर जाएगा सेंटर लाइन, यहाँ पे सेंटर लाइन हो रहा है, और इसको ये होने के बाद इसको पूरा खींच के एंड तक ले जाना है। ये हो गया आपका 1 और 2। सिमिलरली आप दोनों को कॉपी करोगे, आपके 3 और 4 बन जाएंगे यहाँ पे। और स्पेसिंग का हमेशा ध्यान रखना है कि सेम स्पेसिंग रहे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 13-13 है तो सब सारे स्पेसिंग 13-13 का ही है, ओके। तो ये भी
ये वाला बॉक्स भी आपका 13 ही होना चाहिए। ओके वेट, ये कुछ गड़बड़ हो गया, 13 यहाँ पे 13 हो रहा है, तो यहाँ पे छोड़ो। देन ये वाला को आपको, ये वाला आई थिंक हिल गया है, आपको फिर से इसको सेंटर करना होगा, सेंटर हो गया। देन इसको ग्रुप कर दो, जो भी आप नया बना रहे हो ग्रुप करो, ताकि ग्रुप में आप अलाइनमेंट का आप ठीक से रख सको। तो फिर इसको खींच के हम 13 करेंगे, हो गया 13 का सारा ग्रुप। बट अगर आप देखोगे टेक्स्ट थोड़े इधर उधर हो गए अलाइनमेंट का वजह से, अभी ठीक है। तो 1-2 हो गया, यहाँ पे हम 3-4 भी कर लेंगे। ओके देन फिफ्थ के लिए तो सिंपल, आप बस थर्ड वाले को कॉपी करो, नीचे लाओ, 13 का जो भी गैप था वो गैप क्रिएट करो, और अलाइनमेंट वाइज रख दो, हो गया। तो ये फिफ्थ भी हमारा हो गया। बट अगर ओवरऑल देखोगे तो आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिंग है कंपेयर टू ये नंबर्स लेबल से। तो ये पूरा सिलेक्ट करके आप ग्रुप बना दो, और इसको पूरे को थोड़ा ऊपर ले लो, ताकि वो स्पेसिंग, देखो यहाँ पे भी 13 हमने कर दिया। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट नंबर्स और ये सब के साथ। अभी आपको क्या करना है, अगर आप ओरिजिनल डिज़ाइन में जाओगे तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ, जो भी टीम का कलर है मेन कलर, उसका शैडो इफेक्ट, या शैडो इफेक्ट नहीं बोलेंगे, उसका ग्रेडियंट, ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट बॉक्स लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया का ब्लू, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन, इंग्लैंड है, इंग्लैंड का रेड। उस टाइप से आपको एक ट्रांसपेरेंट यहाँ पे चाहिए जो आपका इस टेक्स्ट को उभार के लाएगा। तो उसके लिए आपको एलिमेंट्स में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट। ओके तो ये इस पे जैसे क्लिक करोगे आपको ग्राफिक्स के अंदर सी ऑल में जाना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एक कलर, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, इसको हम समवॉट यूज कर सकते हैं बट थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो, हाँ ये वाला। ओके तो इसका अगर आप वाइट ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट लिखा है, बट इसका आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से हम इसका कलर कर देंगे ब्लू। ओके और इसको हम खींच के बड़ा कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको खींच सकते हो, और इसको आप सेंटर पोजीशन में जाके सेंटर अलाइन कर दो, और फिर इसको पीछे भेज दो। ये हो गया आपका एक लेयर। ओके ऐसे हमें और एक लेयर चाहिए, तो क्या करेंगे, उसका ही डुप्लीकेट बनाएंगे, उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसका डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, उसको थोड़ा और स्ट्रेच कर देंगे ताकि हमें अलग कलर एक मिले, और यहाँ से कलर आप कोई एक दूसरा कलर ले सकते हो, या तो लाइट या फिर डार्क। ओके अभी इसको हम उसके ऊपर पेस्ट करेंगे, और इसको आप कैसे कर सकते हो, कंट्रोल प्लस करली ब्रैकेट, या फिर पोजीशन में जाके यहाँ से बैकवर्ड 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 कर सकते हो। तो जैसे जैसे, सॉरी मैंने डायरेक्ट पूरा ही बैकवर्ड कर दिया, तो थोड़ा सा आपको, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रॉब्लम क्या हुआ है, हमने पूरे को ग्रुप कर दिया है, इसलिए आइदर पूरा आ रहा, पूरा ऊपर आ जा रहा है, या फिर पूरा सब कुछ एक साथ नीचे चला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी ग्रुपिंग अनग्रुप कर देना। ओके अभी सारे अनग्रुप हो गए, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से, ये अनग्रुप है, ये भी अनग्रुप है, हाँ। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी पोजीशन में जाके फिर से इसको फ्रंट में ले आते हैं, और एक एक करके कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रैकेट, या फिर आप पोजीशन से देखो क्योंकि आपको तो कंट्रोल दिखेगा नहीं, तो यहाँ से आप बैकवर्ड बैकवर्ड, जैसे जैसे एक एक बैकवर्ड करोगे, एक एक लेबल, एक एक टेक्स्ट ऊपर आता जाएगा। ओके
यहाँ पे हमने यहाँ पे सारे जैसे हमें चाहिए थे वैसे आ गए, बट अगर नोटिस करोगे तो ये ब्लैक हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये ब्लैक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसका थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे, इसको फॉर एग्जांपल ले लो 60। नहीं, पहला वाला हमें डार्क चाहिए तो ये रहेगा 80, और जो सेकंड वाला ब्लैक बॉक्स है इसका ट्रांसपेरेंसी हम कम करके कर देंगे 60 या 70 रहना, ठीक है। तो उसके बाद हम उस ब्लैक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, तीन डॉट पे जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे और इसको एकदम बैकवर्ड करेंगे, जो मैं बोला था ना कंट्रोल प्लस करली ब्रैकेट या ब्रैकेट। तो उसको सिंगल एक एक करके ट्राई करेंगे वो कैसे दिख रहा है। पूरा ही छुप गया क्या? आई थिंक हमको ये ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। हमने दो लेयर लिया है, एक डिलीट कर देते हैं। हाँ, अभी इसका ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हमें जैसा इफेक्ट चाहिए वैसा मिल रहा है। तो आप सब कुछ ट्रांसपेरेंसी का खेल है। सिमिलरली आप सेकंड ब्रैकेट को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड बॉक्स जो हमने लिया था, और उसको हमें पोजीशन में जाके फिर से बैकवर्ड करना है। बस हो गया, ये बन गया आपका डिज़ाइन। और उसके बाद आप ये टेक्स्ट चेंज करो, जो भी चेंज करना है, अपना लोगो ऐड करो, लोगो आप जो भी होगा लोगो ऐड करो, देन आप अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जो भी लिंक, सोशल मीडिया लिंक देना है दे दो। हो गया, बन गया। और इसमें और थोड़ा अगर इफेक्ट ऐड करना है तो ये इमेज को सिलेक्ट करो, एडिट इमेज पे जाओ, यहाँ पे एडजस्ट ऑल होगा, इसको सी ऑल करो, यहाँ से आप इसका क्लैरिटी बढ़ाओ। तो अगर आप देखोगे क्लैरिटी में क्या होता है, वो थोड़ा अलग दिखता है, बट पूरा फुल 100 मत कर देना, नहीं तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो मोस्टली 50-60 के अंडर ही आप रख सकते हो, 50 अगर रखोगे तो दिख के आएगा कुछ इस तरीके से। तो आप लोग ज़रूर बताना ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। हो सकता है मैंने थोड़ा कुछ फास्ट कर दिया हो, जल्दी, मतलब क्योंकि मैं पहली बार इस तरीके का वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताना कि कहीं पे कुछ फास्ट बता दिया या कुछ समझ में नहीं आया, या फॉन्ट का कुछ नेम चाहिए, वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अलाइनमेंट बहुत मैटर करता है ये सब चीज़ों में, थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार आप टेम्पलेट बना लोगे तो आप सिमिलरली आप नेक्स्ट टाइम आप जब बनाओगे बस आपको टेक्स्ट चेंज करने हैं, नेम चेंज करने, प्लेयर का नेम चेंज करने, नंबर्स चेंज करने, डन। तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट करोगे उसके लिए आपको टाइम लगेगा, बट उसके बाद आप हमेशा उसको रिप्लिकेट कर सकते हो और वो बहुत अच्छा लगेगा, और यूज़र्स जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनको पसंद आएगा आपका डिज़ाइन, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके आपका फीडबैक ज़रूर देना, ताकि हम लोग इसी तरह का वीडियो और भी रेगुलरली बनाते रहें। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, आज मोटिवेशन मिलता है। और कौन से पोस्ट का ट्यूटोरियल चाहिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, देखो, बताओ, हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि उसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो बनाएं और पोस्ट करें। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने कैनवा में देखा होगा तो ये वाला डिज़ाइन जो है इसके ऊपर मैं भी मैं बना सकता हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने कस्टम बनाया है और दो डिज़ाइन को कंबाइन करके बनाया है। कैनवा का ही दो डिज़ाइन है, ये एक आप देख सकते हो, ये बास्केटबॉल वाला डिज़ाइन है, यहाँ से मैंने ये स्टैटिस्टिक्स वाला ये बॉक्स उठाया है, और जो ओरिजिनल डिज़ाइन था कैनवा में दूसरा वाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी उसमें अपडेट किया है। तो होपफुली अगर आप लोग बोलते हो तो उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू एंड गुड बाय।